मत अच्छी थी भाई, वो पेड़ पे रुकी हुई है पूरी गाड़ी। अगर ये पेड़ पे नहीं रुकते ना भाई तो इसने बहुत नीचे जाना था खाई में। जाएंगे यू टर्न लेंगे हम यहाँ से, हमें आगे कैम्पटी वाले फॉल पे जाना ही नहीं है भाई। कैम्पटी वाटरफॉल वो वाला वाटरफॉल नहीं है जिसको आप अगर आप सोच रहे होंगे कि वो भाई, कैम्पटी से 9 किलोमीटर नीचे इतना ज़बरदस्त वाटरफॉल आपको दिखाते हैं अल्ट्रावायलेट एंगल में, तो आप देख पाएंगे सामने। तो ये है भाई वाटरफॉल जो सामने आप देख रहे हो, मसूरी का एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला व्यू। तो आप सामने आप देख पा रहे हो भाई डैम, तो ये डैम भाई बन रहा था किसी टाइम पे, पूरी रोड टूट रखी है लेकिन फिर भी हम साइड से निकाल देंगे। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल द हिमालयन ब्रांच। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं एक नए वाटरफॉल को देखने भाई, बिल्कुल नया वाटरफॉल है, बिल्कुल अनएक्सप्लोर वाटरफॉल है। तो भाई उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले मसूरी और वहाँ से जाना पड़ेगा कैम्पटी। तो दोस्तों अभी हम ओल्ड राजपुर रोड में, और सबसे पहले जाएंगे हम तेल भराने DIT पेट्रोल पंप। तो अभी है हम ओल्ड राजपुर रोड में, तो चलते हैं गाइज। आज है होली का दिन, तो भाई हमने कुछ प्लान किया क्यों ना कुछ थोड़ा सा बाहर चलें घूमने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं अगलाड़ वैली। तो गाइज आज है होली, सब लोग आज होली खेलने में व्यस्त हैं, और हमने प्लान किया क्यों ना आज कहीं घूमने के लिए जाया जाए। तो यार आज हम जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग जगह। तो भाई तेल भरा लिया है DIT से, और जल्दी मिलेंगे अब मेन मसूरी रोड पे। तो बस कोठालगढ़ पे पहुंचने वाले, तेल भरा लिया है, चलते हैं फिर। तो गाइज कोठालगढ़ क्रॉस कर लिया है, चलते हैं यार। ओ भाई यहाँ पे तो यार कुछ एक्सीडेंट हुआ जस्ट हमारे आने से पहले ही। यहाँ पे जो है एक गाड़ी जो है डिवाइडर तोड़ के नीचे जा चुकी है, वैगनर, जिसमें लोग 3 लोग बैठे हुए थे, लेकिन तीनों के तीनों सेफ हैं भाई। लेकिन भाई ड्रिंक करके बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं, अभी ये पता नहीं है बंदा ड्रिंक करके चला रहा था नहीं चला रहा था। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी भाई, वो पेड़ पे रुकी हुई है पूरी गाड़ी, अगर ये पेड़ पे नहीं रुकते ना भाई तो इसने बहुत नीचे जाना था खाई में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं मसूरी, और अब हम जस्ट जाएंगे गांधी चौक पर और देखेंगे क्या कुछ है आज वहाँ का नज़ारा, क्योंकि भाई आज बिल्कुल रोड खाली थी और लगभग जो है बहुत ही कम लोग दिख रहे थे। मतलब होली का लग ही नहीं रहा था कि होली का सीन है, इसीलिए भाई हमने प्लान बनाया कि हम कहीं घूमने चलते हैं। तो यार आज हम जा रहे हैं बहुत ही खास जगह, अगर आप वहाँ का जो वाटरफॉल देखे हो ना भाई दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं भी उसे फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी फोटो भी देखी है, उस वजह से हमारा प्लान बना जाने का। तो यार जस्ट पहुँचने वाले हैं अभी गांधी चौक मसूरी में, और देखते हैं क्या कुछ रहता है यहाँ पर सीन। तो भाई भीड़ तो बिल्कुल है नहीं, पूरा शांत पड़ा हुआ है मसूरी भाई, देख रहे हो बहुत कम लोग हैं, नहीं तो एक टाइम रहता है जब गांधी चौक पर बहुत ही क्राउडेड एरिया रहता है ये वाला। तो यार चलते हैं हम लोग, तो अभी तो भाई यहाँ पे कुछ भी लग नहीं रहा कि भाई कुछ त्यौहार होगा। सामने आप देख रहे हो मसूरी का एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला व्यू। तो अब यहाँ से जाएंगे हम कैम्पटी के लिए भाई, जैसे आप मसूरी गांधी चौक पे आते हो यहाँ से हम निकलेंगे कैम्पटी वाली रोड पे। तो ये वाली चली गई है कैम्पटी के लिए रोड नीचे की तरफ को, तो इस वाली पे हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में, क्योंकि भाई आज आपको ले जाने वाले हैं बहुत ही खास जगह भाई। मतलब आपने ऐसा वाटरफॉल जो है ना आपने अमेजोन के जंगलों में देखा होगा भाई, वो वाला वाटरफॉल दिखाएंगे आपको। अगर वहाँ पे पानी अच्छा रहा ना तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त सीन देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ वाटरफॉल तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यार बने रहे वीडियो में, अभी हम पहुँच चुके हैं कैम्पटी से थोड़ा पीछे हैं, और कैम्पटी से पीछे पड़ता है एक बहुत ही खास मंदिर, माँ संतला देवी का मंदिर, ये ऊपर पहाड़ी पर आप देख पा रहे होंगे। तो आपको गाड़ी रोकनी है नीचे रोड पर, और यहाँ से आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा भाई, तो आपको जो है मंदिर के दर्शन। तो गाइज अब चलते हैं आगे, तो यार अब हम पहुंचने वाले हैं कैम्पटी। आप कैम्पटी यहाँ से बस थोड़ा सा ही रह चुका है भाई, कैम्पटी में थोड़ा बहुत भीड़ दिख रही है भाई आज, यहाँ पे थोड़ा होली का माहौल है। तो गाइज वीडियो में बने रहे हैं, यार आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त वाला वाटरफॉल दिखाने वाले भाई साहब। पुराना कैम्पटी वाला वाटरफॉल नहीं दिखाएंगे भाई साहब, बिल्कुल नया वाटरफॉल दिखाएंगे, कैम्पटी वाटरफॉल भाई। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, ये वाला वाटरफॉल आपका दिल खुश कर देगा भाई पूरा का पूरा। अगर आप देखोगे या आपको दिख रही होगी नीचे भी कैम्पटी भाई, वहाँ हमें जाना ही नहीं है, इससे पहले ही हमें एक टर्न लेना है। आप वीडियो में बने रहो भाई, जो भी ट्रैवलर हैं जो भी ऑफ रोडिंग के भाई शौकीन आदमी है ना भाई, उसके लिए बहुत ही खास जगह होने वाली है आज। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, देखो अभी हम पहुँचने वाले हैं कैम्पटी पुलिस चौक पर भाई, हमारा रास्ता यहीं से कट जाता है, हम यहाँ से जाएंगे यू टर्न लेंगे हम यहाँ से, हमें आगे कैम्पटी वाले फॉल पर जाना ही नहीं है भाई। कैम्पटी वाटरफॉल वो वाला वाटरफॉल नहीं है जिसको आप अगर आप सोच रहे होंगे कि वो वाला है, वाला वाटरफॉल नहीं है भाई, एकदम न्यू वाटरफॉल है। तो दोस्तों कैम्पटी चौक से हमने ले लिया है यू टर्न, तो भाई ये हमने यू टर्न ले लिया है, यहाँ से भाई लगभग हमें पड़ने वाला है ये 10 किलोमीटर समथिंग,
मतलब यार 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर समथिंग ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला भाई। इससे आगे जाने पे हमें एक तिराहा पड़ता है भाई, तो हमें इस सीधा सामने वाली रोड की तरफ को जाना है और हमें इधर वाली रोड पे नहीं जाना है। तो आप ये समझ लो कि हमें जाना है सीधा जो चढ़ोगे वाली रोड जा रही है, सीधा आगे की तरफ को निकलना है भाई हमको, क्योंकि ये वाली रोड आगे जाती है। तो आगे जाके आप पूछ भी सकते हो किसी से कि भाई हमें जाना है डैम की तरफ को। तो भाई डैम यहाँ पे पहले बन रहा था जो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि भाई अगलाड़ नदी का जो फ्लो है ना, वाटर फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा था और उनके हिसाब से जो उन्होंने बना रखा था वो पानी का बहाव जो है उल्टा हो गया और नदी ने अपना जो है दूसरी जगह को अपना जो है रुक कर लिया, और जिसकी वजह से जो है डैम वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया भाई। तो जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाओगे आपको कुछ कुछ गाँव मिलते जाएंगे, तो आप गाँव वालों से या किससे पूछ सकते हो कि भाई हमें जो है डैम की तरफ को जाना है। भाई डैम से थोड़ा पीछे ही है भाई ये वाटरफॉल। तो यार आप तो भाई लूँगा, आप देख पा रहे होंगे यार हम जा रहे हैं वाटरफॉल देखने। भाई बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल होने वाला है भाई, आप देख पाएंगे भाई। तीन लोग बैठ रखे हैं, मैं तो सबसे लास्ट पीछे में बैठ रहा हूँ, गाड़ी जो है चला रहा है मेरा भाई, बीच में हमारा एक और दोस्त बैठ रहा है भाई, ये भी फर्स्ट टाइम ही आ रहा है। तो यार हम पहुँच चुके हैं काफ़ी नीचे, तो नीचे से हमें अभी दिख रही है अगलाड़ नदी। तो सामने जो पुल दिख रहा है भाई उस पुलिया पर तो हमें जाना नहीं है, लेकिन यहाँ से जो पुलिया जा रही है ये जा रही है भाई छौती गाँव के लिए। तो यही वाला जो रास्ता आगे जाके जो है चौड़ोगी वाले पे मिल जाता है शायद, आई थिंक, मुझे से उतना क्लियर पता नहीं है, लेकिन आपको फॉलो करना है भाई यहाँ से। अब डैम का जो नहर है, नहर बनी हुई है, उसको आपको फॉलो करते रहना भाई। तो फॉलो करने के लिए भाई अब हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, ये नीचे वाले रोड को हमने छोड़ दिया है भाई, यहाँ से हम जो है अब ऊपर की तरफ चढ़ेंगे भाई। तो ये वाला बिल्कुल ओके रोड है, थोड़ा ये है कि बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, बाइक है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देख लो आप, ये पक्का जो साइड की तरफ को बना हुआ ये नहर हुआ करती थी किस समय डैम की, जो सक्सेस नहीं हुआ, बोलते 2010 या 2011 के टाइम पे बन रही थी भाई, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देखो ना आगे भाई पूरी रोड टूट रखी है, लेकिन फिर भी हम साइड से निकाल देंगे। तो भाई बाइक तो निकल गई बड़ी आराम से। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं भाई अपनी बिल्कुल डेस्टिनेशन पे, क्योंकि भाई अब यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है, बिल्कुल थोड़ा सा, और बहुत ही जल्दी हम दिखाने वाले हैं भाई आपको बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग वाटरफॉल भाई। वैसा वाटरफॉल जो है आपने अमेज़ोन में ही देखा होगा, अमेज़ोन के जंगलों में ही देखा होगा भाई, ये वाला वाटरफॉल आपको दिखाएंगे, एकदम दो पहाड़ियों के बीच से गिरता हुआ वाटरफॉल। तो बस दोस्तों अब आप बिल्कुल सामने बस पहुंच ही चुके हैं हम यहाँ पे। तो भाई बस यहाँ से अब तुरंत आपको दर्शन कराने वाले हैं भाई वाटरफॉल के, भाई नज़ारे देख लो। तो भाई सामने आप देख पा रहे हैं वाटरफॉल गिर रहा है, बिल्कुल अंदर जाके है। तो उतरते हैं भाई, जाना तो है, जब इतनी दूर आ रखे हैं तो भाई दिखाना भी है, तो भाई मज़े भी करने हैं थोड़ी देर, तो चलते हैं। तो भाई उतरते हैं नीचे, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा भाई हमको। भाई सामने वाटरफॉल आप देख लो भाई, मज़ा आ जाएगा भाई पूरा। यहाँ पे भाई आराम से बैठो, आराम से भाई चिल करो, देख लो दो पहाड़ियाँ हैं और बीच से वाटरफॉल गिर रहा है। आज थोड़ा सा पानी कम है भाई इसमें, और टाइम पे बोल रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा रहता है इसके अंदर भाई। बाकी आप देख लो भाई, कैम्पटी से 9 किलोमीटर नीचे इतना ज़बरदस्त वाटरफॉल, भाई मज़ा ही आ गया भाई देखने के लिए भाई। कैम्पटी वाटरफॉल तो हमने बहुत बार देख लिया भाई, इस वाले वाटरफॉल को देखो भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अमेज़ॉन के जंगल के बीच में आ गए हो भाई। तो यार चलते हैं थोड़ा सा आगे, करते हैं थोड़ी देर मस्ती। तो भाई आप देख पा रहे हो सामने एकदम बहुत ही अच्छी साउंड भी आ रही है भाई इस समय पानी की, लेकिन यहाँ बीच में हो सकता है भाई बहुत गहरा, क्योंकि भाई पानी का जो ऊपर से जितना गिर रहा है उतना ही इसमें जो है अंदर जगह बना रखी होगी। तो चलते हैं भाई थोड़ा सा हम भी कैमरे पे आ जाते हैं। तो भाई अभी आप देख पा रहे होंगे अभी तो मैं हूँ पत्थर पे चढ़ रखा हूँ, लेकिन भाई आगे जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, केयरफुली यार इन जगहों पे थोड़ा सा रिस्क बिल्कुल ना ले। तो यार अभी आप देख पा रहे होंगे सामने एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला व्यू बन रखा है इस समय, धूप की किरण आ रही है और पानी गिर रहा है, और इधर की तरफ को जो है बहुत बारीक बारीक छींटे पड़ रही थी भाई। ये वाला वाटरफॉल था भाई जो आपके लिए हो सकता है अमेजिंग, अगर आपको देखना है ये वाला वाटरफॉल तो भाई आपको देहरादून से लगभग पड़ेगा ये, लगभग आपको 70 किलोमीटर से कम ही पड़ेगा यार, लेकिन मज़ा आ जाएगा भाई इस जगह पे आके। आपको ना दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं इतने किलोमीटर अगर चल के अगर बाइक लेके आया हूँ, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा यहाँ पे, इतनी अच्छी जगह है। तो अभी आपको दिखाते हैं अल्ट्रा वाइल्ड एंगल में, तो आप देख पाएंगे सामने। तो ये है भाई वाटरफॉल जो बिल्कुल न्यू वाटरफॉल है भाई, बिल्कुल अनएक्सप्लोर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसको एक्सप्लोर किया होगा। तो यार काफ़ी टाइम से थे हम यहाँ पे, तो चलते हैं क्योंकि भाई आगे भी जाना है, आगे एक डैम है वो भी दिखाते हैं आपको। तो बने रहे तब तक के लिए वीडियो में।
भाई अगर मज़ा आया ना भाई वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें भाई, और सब्सक्राइब तो भाई ज़रूर करें चैनल को यार। तो यार अभी आप देख पा रहे होंगे भाई बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है आज गाड़ी की भी भाई। गाड़ी कह रही है भाई कहाँ लेके जा रहा मुझे आज, क्योंकि यार इसके अभी सर्विस भी नहीं करा रखी मैंने और ऊपर से तीन लोग भी आ जा रहे हैं इसमें। चलते फिर आगे, तो अभी हम जाएंगे भाई और आगे, अभी हमारी जो है मंजिल अभी थोड़ा सा और आगे है जो डैम तक जाएगा भाई। ये है अपनी गाड़ी द हिमालयन ब्रांस, चलते हैं गाइज। तो अभी हमको थोड़ा सा और आगे जाना है, तो यार चलते हैं फिर क्योंकि अब थोड़ा सा ही रह गया है। तो यार ओ भाई हमसे पहले भी लोग आ रखे हैं भाई यहाँ से पहले, ओ भाई यहाँ पे भाई MT-15 और भाई NS पहले ही पहुँचा रखी है भाई इतनी उबड़ खाबड़ जगह में भी। भाई माननी पड़ेगी बात भाई, NS का तो कोई तोड़ ही नहीं है लेकिन भाई MT-15 में भी जान काफ़ी है भाई। तो यार देख रहे हो आप यहाँ पे जो है काफ़ी लोग पहले से ही आ चुके हैं भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोग अगला नदी में भी आते रहते घूमने के लिए। और सामने आप देख पा रहे हो भाई डैम, तो ये डैम भाई बन रहा था किसी टाइम पे जो अब टूट चुका है, इसका प्रोजेक्ट जो है रुक चुका है। तो यार सामने बहुत सारे लड़के लोग बैठ रखे हैं जो भाई कर रहे हैं पार्टी, थोड़ा दारू सारू भाई। हम भी जाएंगे थोड़ी देर जरा थोड़ा नदी का मज़ा लेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे वापसी। तो यार ये है सामने अगला नदी पर बनने वाला एक डैम जो नहीं बन पाया, जो टूट चुका है। तो दोस्तों आज का सफ़र था यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।